जाती रहनी धीरे धीरे हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया देखली सुंदर शरीरिया सुंदर शरीरिया देखली सुंदर शरीरिया हेलो आज जिस दिन से रानी मर करके स्वर्गवास हो चुके हैं और उस दिन से मुझे इस पहल में दिल नहीं लगता है। आज मेरा मन करता है कि मैं जंगल जाऊं और जंगल में शिकार खेलूं और मन बहलाऊं। और उससे पहले आज मैं बेटा शंकर और बेटी सुशीला मिल करके और उससे दोनों बच्चे से आदेश लेकर के उसके बाद में जाऊंगा जंगल शिकार खेलने के लिए। ये कबेरा या मेरे बेटा रे आर सिंह धराये बाजा में ये कबीर आई है के दूलारी आगे पीता न जाये दीकरे सुतबे के दूलारी आ गया पनो यही माँ हाल में आ गया पनो यही माँ हाल में ये कबीर या बेगे पिताजी, बेटी सुशीला इतनी जोर से आवाज लगाए क्या? आज हम दोनों भाई बहन को छोड़कर के आप कहीं जाने वाले हैं क्या? बेटी सुशीला, पिताजी आज बहुत दिनों से इस महल में दिल नहीं लगता है। क्यों पिताजी? आज मेरा मन करता है
कि मैं जंगल जाऊं और जंगल में शिकार खेलना चाहता हूं। कि ये बोली भूल जाओ पिताजी, आप बोलिया हो बोले जाओ पिताजी, आओ बेटा बेटी हो आदेश दे दो, मैं शिकार खेल करके मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। पिताजी, बेटा शंकर, तो हम दोनों भाई बहन का आंख का आंसू भी नहीं सूखे पिताजी, और आप शिकार पे जाने की बात कर रहे हैं। बेटा शंकर, आज तुम्हारे पिताजी को बहुत बड़ा अभिलाषा है, क्या एक छोटा सा आदेश तुम दोनों भाई और बहन से मैं मांग रहा हूँ। पिताजी, बेटी सुशीला, आप तो स्वयं जानते हैं कि मेरी बेटी मेरे बेटे अभी यह दोनों बालक हैं, निदान हैं, अभी ना मेरे पास मेरी माँ है, सिर्फ आप पिताजी हैं। अगर आप चले जाएंगे पिताजी हम दोनों भाई बहन को छोड़ करके, तो हम दोनों भाई बहन किनके पास रहेंगे? कौन हम दोनों भाई बहन को भोजन देंगे? कौन हम दोनों भाई बहन को गोद में बैठाएंगे? बेटी सुशीला, पिताजी इस महल में इतना नौकर चाकर है, इतना नौरी है, आज तक तुम दोनों भाई और बहन को कोई चीज का दिक्कत होने के लिए नहीं दिया हो, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम दोनों को कभी दिक्कत नहीं हो सकता है। बेटी राही राही आता हो या बैचई, बेटी सुशीला ओ माता जी के हमारा, ओ माता जी के हमारा, माता के डुबरी हो डुबरी हो बाना, आहो भाई ये ते
क्या तुम एक छोटा सा आदेश तुम नहीं दे सकती है? पिताजी, अगर मन में मेरी माँ रहती ना, आप माँ के ऊपर छोड़ करके कहीं चले जाते तो मुझे कोई फिर ले आता। पिताजी, मैं सोचती हूँ मेरे पिताजी चले जाएंगे, मैं किनके पास रहूंगी, कौन मुझे भोजन देंगे, कौन मुझे गाली देंगे, कौन मुझे मारेंगे हम दोनों भाई बहन को? पिताजी, मेरे बच्चे, मैं हमेशा के लिए छोड़ करके मैं थोड़ी जा रहा हूँ। अगर आप इतना परेशान हो रहे कि मुझे घर में बैठी बैठी दिल्ली लगता है, मेरा मन करता कि मैं महल छोड़ करके मैं जंगल को जाऊं, जंगल में शिकार खेलूं। ना, हाँ ठीक है पिताजी, अगर आपको घर में बैठी बैठी दिल नहीं लगता है तो आप शिकार खेलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन पिताजी, बेटी सुशीला, मुझे भी अभिलाषा है कि मेरे पिताजी जंगल को जाएंगे तो मेरे लिए पिताजी आप सोना का खिलौना लेकर आएंगे। ठीक है बेटी सुशीला, बेटा शंकर, तुम्हारे लिए क्या चीज चाहिए? पिताजी, मेरे लिए सोने का मिर्गा लेकर आना। पिताजी ठीक है मेरे लाल, मैं अवश्य लेकर के आऊंगा। जाओ तुम जाकर के महल में भोजन करके आराम करना। पोत ओ चरी आगे दे बीमा मैं पूरा है सब हरिया में मैया की खुशिया के Oh God.